पढ़ेंगे बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने किया, बंगाल की राजधानी कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा किया गया, कलकत्ता का नाम अली नगर किसने दिया, कब और क्यों दिया था, वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम जहांगीर नगर किसने दिया था, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से बंगाल के किस नवाब के द्वारा किया गया था, जैसे प्रश्नों का इस सेशन में हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, शानदार क्लास होगी, ये मेरा दावा है। उससे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, मुगल काल में बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कब किया गया। मुगल काल जैसा कि आप जानते हैं पानीपत युद्ध के बाद, कब पानीपत के युद्ध के बाद, यानी पानीपत का युद्ध जो कि कब हुआ था, तो आप कहेंगे पानीपत युद्ध जो कि 31 अप्रैल वर्ष 1526 के दिन हुआ, और उसी के बाद से लोधी वंश का भारत से समापन हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई, और ये मुगल वंश वैसे जो है 1857 तक जो है चला था। इन दरमियान बंगाल जो कि उन दिनों अपनी समृद्धि के वजह से भारत का स्वर्ग कहा जाता था, उस बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था? मुर्शीद कुली खां। तो अगर आपसे पूछे कि मुगल काल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, मुर्शीद कुली खां के द्वारा जो है किया गया। मुर्शीद कुली खां जो कि बाय बर्थ एक ब्राह्मण व्यक्ति थे और इनका वास्तविक नाम सूर्य कुमार मिश्रा था। क्या नाम था? सूर्य कुमार मिश्रा। और उच्च पद की चाहत में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, न सिर्फ धर्म परिवर्तन किया बल्कि जो है अपने सगी बहन की शादी भी मुस्लिम परिवार में जो है किया, और कालांतर में जो है आगे चल करके ये बंगाल के नवाब बने। कब? वर्ष 1717 ईस्वी में। कब? 1717 में। हालांकि वर्ष 1700 ईस्वी में इनको बंगाल का दीवान बनाया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो राजनीतिक और स्थिरता थी उसी का फायदा उठा करके और मुर्शीद कुली खां के द्वारा जो है बंगाल में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना 1717 ईस्वी में किया गया, और ये लगभग 10 वर्ष तक बंगाल के नवाब बने रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न को देखते हैं। बंगाल में इजारेदारी प्रथा किसने शुरू किया? इजारेदारी प्रथा था क्या? इजारेदारी प्रथा जो है 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए लगान, एक तरह से समझ लीजिए कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले किसी एक व्यक्ति को जो है किसी जमीन का बहुत बड़ा भूभाग जो है प्रदान कर दिया जाता था, यानी लगान वसूली की पंचवर्षीय योजना थी इजारेदारी। छोटे किसानों के साथ जुल्म और शोषण की योजना थी इजारेदारी, जिसमें किसी धन पशु के द्वारा एक बड़े भूखंड को बोली लगा करके और अगले 5 सालों के लिए जो है ले लिया जाता था, और फिर उसका छोटा हिस्सा छोटे छोटे किसानों को जो है दिया जाता था उस पर जो है खेती करने के लिए, और उसके आड़ में किसानों का भरपूर शोषण किया जाता था। इस योजना को मूर्त रूप दिया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था मुर्शीद कुली खां, जिसका वास्तविक नाम मैंने बताया कि सूर्य कुमार मिश्रा था और यह दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था। मुर्शीद कुली खां की इजारेदारी प्रथा को आगे चल करके बंगाल का गवर्नर जो बना जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, उसने भी आगे 1773 में इसको आगे लागू किया था। बहरहाल बंगाल में इजारेदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? बंगाल में इजारेदारी प्रथा को मुर्शीद कुली खां ने शुरू किया था। तब का बंगाल का मतलब जो है आज का पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब के सब जो है बंगाल के ही अंतर्गत जो है आया करते थे, और इन क्षेत्रों में मुर्शीद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा की स्थापना की और ढाका को जो है भारत
बंगाल की राजधानी बनाई, किसको? ढाका, जो कि ढाकेश्वरी देवी मंदिर के नाम पर इस क्षेत्र का नाम ढाका हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ढाक वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए गए, इसलिए इसे ढाका कहा गया। हालांकि आज भी शहर के अंदर माँ ढाकेश्वरी का मंदिर है, जहाँ माना जाता है कि सती के आभूषण जो है इस क्षेत्र में जो है गिरे थे, और उसी की वजह से जो है उसे ढाक के नाम से जो है जाना गया था। और इसी ढाका शहर का नाम आगे चल करके जहांगीर नगर जो है किया गया था, जहांगीर के सम्मान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, बंगाल में किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? आपको जानकारी के लिए बताएं कि जो मुर्शिद कुली खां, जो कि बंगाल का जो है स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने वाला व्यक्ति था, कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जिसका शासन काल लगभग 10 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक रहा? लगभग 10 वर्षों तक इसने शासन किया, यानी मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर के और 1727 तक जो है शासन किया था। उसके बाद इसका दामाद जिसका नाम था सुजाउद्दीन, कौन? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब हुआ और वो वर्ष 1727 से लेकर के 39 तक जो है शासन किया, सुजाउद्दीन। आगे चल करके बंगाल के नवाब जो कि टोटल कुल 11 रहे हैं, बंगाल पर शासन करने वाले कितने नवाब रहे? 11। उन्हीं में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलवर्दी खां। अलवर्दी खां का ही दौहित्र था जिसका नाम सिराजुद्दौला था, यानी अलवर्दी खां के बेटे का बेटा था सिराजुद्दौला, और उसी सिराजुद्दौला को आगाह करते हुए, समझाते हुए अलवर्दी खां जो कि रिश्ते में उनके नाना थे, उन्होंने सिराजुद्दौला से कहा था कि इन यूरोपियों से उलझना मत, इन पर ध्यान बराबर रखना। हाँ, एक बात यह है कि ये बिल्कुल मधुमक्खी की तरह है, इनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा तो ये मधुमक्खियों की तरह शहद देंगे, और नहीं तो फिर मौत का वजह बन जाएंगे। और वही अंग्रेज आगे चल करके सिराजुद्दौला के मौत का कारण बनते हैं। यानी बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? अलवर्दी खां ने किया था। चूंकि ऑप्शन में अलवर्दी खां नहीं दिया गया है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा, और ये 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया? तो मैंने बताया कि जहांगीर के शासनकाल में इसको जहांगीर नगर के नाम से जाना जाता था, जहांगीर नगर के नाम से जाना गया। हालांकि ये नाम वहां के जो है सूबेदार के द्वारा जो है रखा गया था। ढाका में ढाकेश्वरी देवी मंदिर आज भी है, और पिछले दिनों बंगाल में जब कुछ ज्यादा अस्थिरता हुई तो ये मंदिर चर्चा में भी रहा था। इस मंदिर की स्थापना जो है सेन वंश के शासक बल्लाल सेन के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया? बल्लाल सेन के द्वारा जो है किया गया था ढाकेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण, और उसी के नाम पर इस शहर का नाम ढाका हुआ। ढाका किस नदी के तट पर जो है स्थित है? अगर जो है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि बूढ़ी गंगा। किस नदी के तट पर? बूढ़ी गंगा। ये सेशन आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, पहली बार चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। इससे संबंधित जो है पीडीएफ जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ अगर जो है आपको चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कौन सा जीएस गुरु जेपी सर पर जो है आप, हमारे ये यूट्यूब चैनल का भी नाम है और ये टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के आप इसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न में पूछा गया कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने स्थानांतरित किया, मुर्शीद कुली खान के द्वारा जो है स्थानांतरित किया गया। इसके द्वारा मुर्शीद कुली खान ने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। हुगली नदी के तट पर मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना मुर्शीद कुली खान के द्वारा ही किया गया था। और कालांतर में मैं आगे बताऊंगा कि मुर्शिदाबाद से राजधानी फिर जो है मुंगेर स्थानांतरित की गई थी। कहां? मुंगेर। मुंगेर जो कि वर्तमान में बिहार का एक जिला है, उन दिनों बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था बिहार भी। और मुर्शिदाबाद से राजधानी स्थानांतरित किया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। आगे जो है अभी पढ़ाऊंगा कि इसके पीछे जो है क्या वजह था। लेकिन मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब के पोते अजीमुसान से जो है इसका मतभेद हुआ और इसी वजह से इसने राजधानी को ढाका से जो है स्थानांतरित किया मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद की स्थापना भी इसने स्वयं कराई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुर्शिदाबाद जो कि बूढ़ी गंगा के तट पर, ना ढाका बूढ़ी गंगा नदी के तट पर, जबकि मुर्शिदाबाद गंगा के तट पर स्थित है, हुगली के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। इस सेशन में कुल 10 प्रश्न जो है आपको कराए जाएंगे, लेकिन इन 10 प्रश्नों से कम 100 प्रश्न जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार है, और अपने मित्रों में शेयर भी करें। आज का ये 5वां प्रश्न, शासन काल के आधार पर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। मैंने बताया कि बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया, और कुल कितने नवाबों ने शासन किया? 11 नवाबों ने शासन किया। पहला नवाब मुर्शीद कुली खान और अंतिम मुबारक खान था। उन्हीं नवाबों में से कुछ नवाबों के नाम यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि कौन ऑप्शन सुमेलित है, यानी शासन काल के आधार पर। सबसे पहले जो है मुर्शीद कुली खान का शासन काल आता है, जो 1717 से लेकर के जो है 27 तक शासन किया, यानी ये बंगाल का पहला नवाब था। उसी का दामाद सुजाउद्दीन ये दूसरा था बंगाल का नवाब, जो कि वर्ष 1727 से लेकर के 39 तक शासन किया। सुजाउद्दीन का बेटा था सरफराज, महानलायक इंसान था, ये तीसरा नवाब हुआ, और ये जो है 1739 से लेकर के जो है 1740 तक शासन किया। सरफराज खान को गिरिया की लड़ाई में पराजित किया अलवर्दी खान, और उसके बाद बंगाल का नवाब अलवर्दी खान बना। इसी अलवर्दी खान का जो है बेटी का बेटा था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो इन 5 नवाबों को जो है बिल्कुल क्रम में जो दिया गया है वो डी ऑप्शन में जो है दिया गया है। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में दिया गया है। अलवर्दी खान जिसने जो है वर्ष 1740 से लेकर के 1756 तक शासन किया, और इसी का जो दौहित्र था सिराजुद्दौला, 1756 से लेकर 1757 तक, यानी प्लासी की लड़ाई तक किया शासन, और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला मीर जाफर की गद्दारी का शिकार हो गया और बंगाल अंग्रेजों का गुलाम हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस सेशन से संबंधित पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है, कौन सा? जीएस गुरु जेपी सर। टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जो है जेपी सर, उसको जो है उससे जुड़ सकते हैं और वहां से इसकी पीडीएफ को जो है प्राप्त कर सकते हैं। गिरिया का युद्ध जो है कब हुआ था? गिरिया जो कि अब ये जगह मुर्शिदाबाद में ही एक कस्बा है, हालांकि गिरिया स्पेशली बिहार में एक जो है नगर भी है, और यहाँ जिस गिरिया की बात हो रही है ये बंगाल में है। और होली के दिन गिरिया का युद्ध जो है मार्च में 1740 में हुआ था, किसके किसके बीच? तो सरफराज जो कि बंगाल का तीसरा नवाब था, और अलवर्दी खां के बीच हुआ था। अलवर्दी खां, या कहीं कहीं इनका नाम मिलेगा अली वर्दी खां, है व्यक्ति की कहीं अलवर्दी खां के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलवर्दी ने सरफराज का ऑपरेशन कर दिया, यानी अली वर्दी खां के हाथों सरफराज मारा गया, और इस तरीके से मुर्शीद कुली खां का परिवार
का जो चला आ रहा था शासन व्यवस्था वो समाप्त हुआ और उसी मुर्शीद कुली खां के यहाँ कभी उप दीवान के रूप में शासन काम करने वाला अलवरदी खां मुकद्दर ऐसा बदला कि बंगाल का नवाब बन बैठा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी और प्लासी की लड़ाई में ही जो है सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के द्वारा मारा गया और बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हुआ। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में और बक्सर लड़ाई के बाद जो है अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन का चयन करें। कह रहा है पहला, शाह शुजा से अनुमति लेकर के 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना की गई। ये 100% सही है, 100% जो है सही है, क्योंकि वैसे तो अंग्रेजों ने जो है पहली फैक्ट्री की जो स्थापना किया था वो मसूलीपट्टनम में किया था। कहां पर? मसूलीपट्टनम में 1611 में, लेकिन बंगाल में जो है इनकी स्थापना हुई थी पहली फैक्ट्री की 1651 में। भारत में मसूलीपट्टनम में इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की 1611 में, वो जगह अब जो है पड़ती है आंध्र प्रदेश में। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अजी मुसान शब्द है, क्षमा चाहूंगा, अजी मुसान ने बंगाल में 1200 रुपए के बदले में 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान किया। वह गांव थे कालीकाता, सूतानुती, गोविंदपुर। 100% ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। 1200 रुपए के बदले अजी मुसान ने अंग्रेजों को 3 गांव जो है बेच दिए थे, जिसमें एक काली माता का जहां मंदिर था जिसे काली माता कहा जाता था, और वही काली माता जो है कालांतर में कालीकाता, जिसको अंग्रेज जो है कालीकाटा कहते थे, फिर कलकत्ता हुआ और आगे चल करके अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहीं पर आधुनिक कोलकाता शहर की स्थापना भी किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, जॉन सरमन मिशन 1717 में औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में भेजा गया था। जी नहीं, गलत है, 1707 में ही औरंगजेब मर गया था। तो 1717 में उसके दरबार में जॉन सरमन मिशन कैसे भेजा जाएगा? जो जॉन सरमन मिशन भेजा गया था वो फरुखसियर के दरबार में भेजा गया था। किसके दरबार में भेजा गया था? फरुखसियर के दरबार में जो है भेजा गया, और फरुखसियर जिसको घृणित कायर के नाम से जो है जाना जाता था। फरुखसियर जो कि उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में सबसे विचित्र व्यक्ति था, और इसी के शासनकाल में जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधिमंडल मुगल दरबार में पहुंचता है। फरुखसियर कहा जाता है कि तब पाइल्स से परेशान था। जॉन मिल्टन हॉल के द्वारा ऑपरेशन करके इनको उस समस्या से निजात दिलाई गई और फरुखसियर महोदय इतना प्रसन्न हो गए कि अंग्रेजों को सिर्फ 3000 रुपए के बदले पूरे बंगाल में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। बहरहाल जो तीसरा विकल्प है यही सही नहीं है, और चूंकि प्रश्न में पूछ रहा है असत्य कथन का चयन कीजिए तो तीसरा विकल्प ही आंसर होगा। चौथा, जेसुइट मिशन वर्ष 1580 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एका विवाह के नेतृत्व में आया था। बिल्कुल सही है। हालांकि जो है ये जेसुइट मिशन जो था, जेसुइट मिशन जो है किससे संबंधित था? तो जेसुइट मिशन जो है पुर्तगालियों से संबंधित था। किससे संबंधित था? जी हाँ, पुर्तगालियों के जो है धार्मिक गुरु थे मार्गरेट एका विवाह, जिनके नेतृत्व में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी में ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलता है और अकबर से निवेदन करता है कि आगरा में एक
मस्जिद नहीं गुरुद्वारा बनाने का जो है परमिशन दिया जाए, और ऐसा किया भी गया। ऐसा किया भी गया और इस तरीके से जो है भारत में पहला जो चर्च गुरुद्वारा की स्थापना उत्तर भारत में हुई थी, अकबर के जो है आदेश पर, अकबर के परमिशन पर आगरा शहर में ही किया गया था। तो जेसुइट मिशन 1580 में इबादत खाना में अकबर के शासनकाल में राजधानी फतेहपुर सीकरी में आया था, पुर्तगालियों के धार्मिक गुरु एकाविवा के नेतृत्व में आया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर अंतिम ना तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें, कौन सा स्टेटमेंट सही है उसका चयन करिए। इस एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है 1688 में औरंगजेब ने अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने का आदेश दिया था और 17,000 पाउंड का आर्थिक जुर्माना लगाया था। बिल्कुल सही है, और उसके पीछे जो है वजह था, क्योंकि जॉन चाइल्ड ने मुगल जहाजों को न सिर्फ जो है सूरत में लूट लिया, बल्कि जो है उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। और इसकी जानकारी जब औरंगजेब को होती है तो औरंगजेब ने जो है सर जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने का आदेश सुनाया और इनसे जो है 17,000 पाउंड आर्थिक जुर्माना भी लगाया। हालांकि इनके अनुनय विनय करने के बाद, इनके निवेदन करने के बाद इनको जो है क्षमा तो किया गया, लेकिन 17,000 पाउंड इनसे जो है जुर्माना वसूल लिया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, 1698 में अंग्रेजों ने कोलकाता में विलियम फोर्ट की स्थापना की और सर चार्ल्स आयर, क्षमा चाहूंगा अयर नहीं, कौन सा चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया था। बिल्कुल सही है, 1698 में ही अंग्रेजों ने सर जॉब चार्नौ के द्वारा जो है कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, 1757 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में पहली टकसाल की स्थापना की गई थी। ये भी सही है, टकसाल का मतलब मिंट यानी सिक्के बनाने के कारखाने। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, सब के सब जो है कथन क्या है 100% सही है। प्रश्न संख्या 9 को देखें, कोलकाता का नाम अलीनगर किसने रखा था, कोलकाता का नाम अलीनगर रखा क्यों गया। दरअसल कोलकाता में अंग्रेजों को, मैंने बताया था कि अली मुशान के द्वारा, अली मुशान शाह ने 1200 रुपए के बदले में 3 गांव की जमींदारी दी थी, और वो गांव थे कौन कौन, सूता नुती, कौन कौन गांव थे तो आप कहेंगे सूता नुती, उसके अलावा कालीकाता और गोविंदपुर, गोविंदपुर, इन्हीं 3 गांवों में जो है इन्होंने आगे चल करके जो है आधुनिक कोलकाता शहर की स्थापना हुगली नदी के तट पर जाप चारनौ के द्वारा जो है किया गया था। कलकत्ता में अंग्रेजों की बढ़ती हुई सक्रियता के प्रति सिराजुद्दौला के जो नाना श्री थे अलवर्दी खान ने, अलीवर्दी खान ने उसको आगाह किया था और अंग्रेजों को मधुमक्खियों के समान बताया था। जब अंग्रेजों ने कलकत्ता में घेराबंदी करना शुरू कर दिया, चार दीवारी जो है बनवाना शुरू कर दिया, तो सिराजुद्दौला जिसका शासनकाल 1756 से लेकर के 1757 तक रहा था, उसने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को दोनों को मना किया। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज थे कि मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, लात का देवता बात से नहीं सुनता है। आखिरकार जब उन्होंने नहीं मानी बात, तो मुर्शिदाबाद तब राजधानी हुआ करती थी। करीब 4 जून वर्ष 1756 के दिन कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अटैक किया और कलकत्ता पर
20 जून को जो है अंततोगत्वा अपना अधिकार कर लिया। ड्रैक जो कि उस समय जो है कलकत्ता का गवर्नर हुआ करता था, भाग चला कलकत्ता को छोड़ करके, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। और अधिकार कर लिया तो अपने नाना श्री जिनका नाम था अली वर्दी खां, उन्हीं के नाम पर कलकत्ता शहर का नाम अली नगर किया था। और इस तरह एक वर्ष के लिए कलकत्ता को अली नगर के नाम से भी जाना गया। लेकिन बहुत जल्दी ही अंग्रेजों ने कलकत्ता को पुनः प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा प्रश्न उत्तर होगा? अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, और इस सेशन का अंतिम प्रश्न। एलाइड द वंडर नामक पुस्तक में काल कोठरी की घटना का वर्णन किसने किया था? अभी मैंने बताया आपसे कि जब 20 जून के दिन, कब? 20 जून को, 20 जून वर्ष 1756 को जब कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया और उसका नाम जो है अली नगर रखा। क्या नाम रखा? अली नगर, अपने नाना श्री के नाम पर। इसी कलकत्ता शहर में एक घटना घटती है जब 146 अंग्रेज सैनिकों को, अंग्रेज अफसरों को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है। और एक तो अंग्रेज, दूसरे जून का महीना, तीसरे भयंकर गर्मी, और एक ऐसे रूम में इन लोगों को जो है भर दिया गया जिसमें गलती से दरवाजा था, खिड़की भी नहीं थी। इसकी वजह से 123 अंग्रेज अफसर बेमौत काल के गाल में समा गए। और हालांकि इस घटना को इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, ये मनगढ़ंत थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन इस घटना को एक किताब है जिस किताब का नाम था अलाइव द वंडर। क्या नाम था? अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में किसने लिखा था? हॉलवेल ने लिखा था। यही हॉलवेल जो आगे चलकर के कुछ समय के लिए बंगाल का गवर्नर भी बनेगा। इसी के द्वारा इस घटना की पुष्टि की गई। अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में इसे लिखा गया। और अलाइव द वंडर में लिखी गई ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी की जो घटना थी, आगे चल करके प्लासी की लड़ाई का वजह बनेगा। बहरहाल इसी के वजह से प्लासी की लड़ाई हुई थी। और प्लासी की लड़ाई जो कि 23 जून वर्ष 1757 को हुई थी। प्लासी जो वर्तमान बंगाल के नादिया जिला में स्थित है। और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला कौन? प्लासी युद्ध हुआ कब था? तो जी हाँ, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून वर्ष 1757 को। किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ से जो है सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। वही रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया और अपनी कामिलियत के दम पर बंगाल का गवर्नर तक बना। सिराजुद्दौला अपने ही सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण जो है हार जाता है। मीर जाफर की गद्दारी के कारण हार गया और मीर जाफर के बेटे ही हसन खान के हाथों धोखे से मारा गया था। और इस तरीके से प्लासी की लड़ाई वर्तमान बंगाल के नादिया जिले में हुई थी, हुगली नदी के तट पर, जिसको कि स्थानीय लोग भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। इस प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। और इसका वजह भी जो है, इस लड़ाई का सबसे बड़ा कारणों में से एक था ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, हालांकि अंग्रेजों को बंगाल में जो मुफ्त व्यापार का अधिकार जो है मिला था, जो दस्तक प्रथा थी, उसको भी निष्प्रभावी कर दिया था सिराजुद्दौला जब बंगाल में सबके लिए मुफ्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया। तो ऐसे कई वजह थे जिसकी वजह से प्लासी की लड़ाई हुई, लेकिन बाजी
अंग्रेजों के हाथ लगी थी और हिंदुस्तान गुलामी के दलदल में फंसता चला गया। मीर जाफर को रावण क्लाइव का गधा कहा जाता है। 24 परगना की जागीर को रावण क्लाइव की जागीर कही जाती है। बहरहाल इस सेशन में आज बस इतना ही। बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित अगला जो है वीडियो कल आप लोगों तक जो है पहुंचेगी और आज बस इतना ही। जाते जाते आप इस सेशन को प्लीज लाइक करेंगे, पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में इसे शेयर करेंगे। आज के सेशन का वीडियो जो आप तक जा रहा है इसका पीडीएफ जो है प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।